दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद से दो घंटे की मुसाफत पर मौजूद घने जंगलात और सरसब्ज चरागाहों से मुजयन ये है खूबसूरत सेहत अफजा मुकाम पठियाली। बलखाती वादियों और वसी मैदानों पर फैला कुदरत का ये खूबसूरत तोहफा इन दिनों हुसन के जलवे बिखेर रहा है। ये चरागाहों का वसी सिलसिला है जहाँ आके इंसान अपने आप को भूल जाता है, या अल्लाह इतनी खूबसूरती भी हमारे मुल्क में है और हमें इसका इल्म नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं मनाज़र फितरत को उनके असल रूप में, तो आप इस इलाके में आएं और यहां आके आप एंजॉय करें। सतही समंदर से 9000 फीट बुलंदी पर कायम दर्जनों चरागाहों और सरसब्ज मैदानों पर मुश्तमिल ये तफरी मुकाम 80 किलोमीटर तवील है। वादिय लीपा के करीब दाऊखंड से होते हुए पीर चनासी तक एक से बढ़कर एक जंगल और वसी मैदान यहां आने वालों पर सहर तारी करते हैं। दाऊखंड से लेके हर 2 किलोमीटर पे एक नया नजारा आता है और नई बहक आती है, नई सकाफत आती है और अंताई खूबसूरत बंदे को दिलचस्पी होती है कि यहाँ से आगे जाएं, आगे जाएं। जो भी यहाँ आया वो दोबारा आने के लिए ख्वाहिश करता है। चंद मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पठियाली में खेमे भी लगाए हैं ताकि सयाह इनमें कयाम कर सकें। पठियाली जाने वाली सड़क का आखिरी हिस्सा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाके में सयाह फैमिलीज के हमरा जाने से डरते हैं। रोड यहाँ पे कम्प्लीट हो जाए, बिजली की सहूलत हो जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे टूरिस्ट का काफी रश हो जाना है। खूबसूरती के लिहाज से ये जो हमारी ये जो पठियाली टॉप है ये इंतहाई खूबसूरत है। आज़ाद कश्मीर के आप तकरीबन जो टूरिस्ट पॉइंट हैं गंगा चोटी से लेकर जहाँ तक भी आप विजिट करें उन सब से ये खूबसूरत है। पठियाली के ऊंचे सरसब्ज मैदानों से सयाह पंजकोट और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों का भी नज़ारा कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर वाके पठियाली की सरसब्ज और शादाब चरागाह एक बेहतरीन तफरी मुकाम है। तहम अगर हुकूमत यहाँ पर सयाहों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचा सके तो मकामी लोगों को रोजगार के बेहतरीन मौके मयसर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, पठियाली, आज़ाद कश्मीर।